1 and 2। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है, जो हम एज इट इज अपने न्यूज़पेपर्स पे एड्स देखते हैं, ठीक है, टीवी पे एड्स चलते हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं एक्सेट्रा, इस पर जो एड्स आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बारे में, तो उनकी जो भी सारी मार्केटिंग हो रही होती है, हमारे सामने आ रही होती है, वो सारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होती है। आपने डिजिटल मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर फोकस किया है? डिजिटल मार्केटिंग को मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर फोकस इस वजह से देता हूँ क्योंकि हमें मार्केटिंग में देखना होता है कि कितना कस्टमर हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो इसमें कस्टमर के कैप्चर करने की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसकी वजह से ये अप पे जाते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, लाइक आप फ्रीलांसर है, लिंक्डइन है, इसके अलावा हम लोग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सारी चीज़ों में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को लेके इसकी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए एक कोर्स, तजर्बा और डिग्री की जरूरत होती है? मेरा नहीं ख्याल किसी ऐसा स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको बस काम आना चाहिए, काम जितना अच्छा आपको आएगा, जितने ज़्यादा क्रिएटिव आप होगी, उतने ज़्यादा अच्छे मार्केटर बने। डिजिटल मार्केटिंग में अपनी महारत और टैलेंट को बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल को किन तरीकों को अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो देखें कि उनका कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग में जो एड्स वो चलाते हैं वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कितना ज़्यादा जो उनकी पब्लिक जो देख रही है, टारगेट पॉपुलेशन जो है उसको कितना ज़्यादा अपनी तरफ कैप्चर करती है, तो इस चीज़ को मेन फोकस करना चाहिए अपने लिए। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का मुस्तकबिल है या नहीं? पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। आप देखें पिछले 2-3 सालों में जितना ज़्यादा रेवन्यू हमारे इस कंट्री को IT ने दिया है, शायद ही किसी और बिजनेस ने इसको दिया है। थैंक यू।